वो कर ऐसे काम कर रही है। कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, माँ भगवती ही ठीक करती। ये एक पावन पवित्र संतों की भूमि है। तरणिया मंदिर की नियम की हम पूरा सहयोग दें। वो आते हैं, उनके संकट कटते हैं। बहुत खुश है जी, अब इसने बहुत बड़ा काम किया भाई। लड़की अब वो कर ऐसे काम कर रही है, हम उस मंदिर की नींव रखी है भाई, हम बहुत खुश है। पूरे दिन भंडारा चला देसी घी का, उस पूरे आस पड़ोस के पूरे गांव के आदमी वहाँ शामिल हुए और हम बहुत खुश हैं इस बात से। अगी न इतने दिन हो गए, अब इस सब के संकट काट रही इसमें माता आती है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सरोज। सरोज जी, क्या कहना चाहोगी कविता जी के बारे में? कविता जी के बारे में बस जितनी प्रसन्नता करा उतनी कम है। ये कविता भक्तनी कई दिनों से पाँच छः साल तो जरूर होगी भक्ति में, दिन कटे दूर दूर से बहुत वो आते हैं, उनके संकट कटते हैं, दोबारा आते हैं वो तो, और दुनिया इससे वो जुड़ी हुई है। और ये विष्णु माता का निर्माण मंदिर का निर्माण कराया है, विष्णु देवी का। नमस्कार भाई, आपका शुभ नाम? आनंद भाई। आनंद भाई साहब, कविता जो सुनानी गाँव से, इनके बारे में क्या बताना चाहोगे? भाई हमारी बहन है बिब्बे, और इसने माता रानी की भक्ति कर रखी है, हम इससे बहुत प्रसन्न है। इसने माता रानी का मंदिर की नियम टेकी, हम पूरा सहयोग दें, गाँव राम पूरा सहयोग करेगा। नमस्कार जी, जय माता दी। कविता जी, हमारे दर्शकों को बताइए, जिस प्रकार आप भक्ति कर रही हो, किस प्रकार के संकट काटती हो आप? संकट का कोई प्रकार नहीं होता, संकट कई प्रकार के होते हैं। जिंद भी बोल देते हैं उनको, पितृबंधन बोल देते हैं, किराया दराया ऊपरा पराया बहुत प्रकार के होते हैं, वो सभी संकट कट जाते हैं माता रानी के धाम में आके। मैं बाबा त्रिलोक भारती सजाड़ा धाम गई थी, वहाँ पर मेरा भी संकट कटा, उसी बाबा ने मेरे को वरदान दिया, वही मेरे गुरु हैं। उनशान मेरा कोई गुरु नहीं है, त्रिलोक भारती बाबा हैं, शिव शंकर के अवतारी हैं। जोधपुर के पास राजस्थान में सजाड़ा धाम है, वहाँ नारियल लगता है, फेरी लगाई जाती है, पांच फेरी, पांच पूर्णमासी लगाओ भक्त बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वहाँ कैंसर भी ठीक होती है। और इसी श्रद्धा विश्वास से मैंने बाबा से अरदास की थी कि बाबा मेरे हरियाणा में भी बहुत भक्त दुखी हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर पूर्णमासी को एक वीक का समय दें या 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाएं, इसलिए आप मुझे वरदान दो अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो, कि मेरे छुड़ानी धाम में भी आपका और माता रानी का मंदिर बने और भक्त वहाँ नज़दीक की नज़दीक फेरी लगाएं, उनके संकट कटे। अब देखो, सूर्य तो एक ही है आकाश में, 100 घड़े हम पृथ्वी पे भर के रखते हैं, जिसमें झांकेंगे वहीं सूर्यदेव का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे ही मंदिर होते हैं। अब मेरे छुड़ानी धाम गाँव में, ये एक पावन पवित्र संतों की भूमि है, ये गाँव तो कभी भी नहीं था, धाम ही है और धाम बन भी गया है। तो मेरे भाईचारे ने, मेरे भाइयों ने दादा हरिदास की जोत लेके आए हैं झाड़ूदा धाम से, तो दादा हरिदास यहाँ भी विराजमान होंगे, जैसे सूर्यदेव आकाश में है और पृथ्वी पर भी उनका प्रकाश है। जल में झांक के देखो, अगर ऐसे किसी को नहीं पता तो। 10-20 भक्त यहाँ दरबार पहुँचे, कैंसर के मरीज वो भी ठीक हो गए। एक दिल्ली से आती थी, ब्लड कैंसर था उनको, उन्होंने बेटी मांगी थी, बेटी हो गई और ब्लड कैंसर भी ठीक हो गई। मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मेरा मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय, जो माता पार्वती भी वही जपती है, और सभी मंत्रों का प्रधान मंत्र है ओम नमः शिवाय। मुझे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, माँ भगवती ही ठीक करती है सबको, बाबा त्रिलोक भारती का वरदान ही ठीक करता है। ओम नमः शिवाय से ही कैंसर की बीमारी भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल, 5 बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं चौकी पे बैठ के, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा से भक्त को जो भी कष्ट वो ठीक हो जाता है। नहीं, कोई दवाई नहीं होती। जी, लाखों करोड़ों का हो चुका, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं रखी है और मुझे कोई गिनती ही नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और जैसे अब तो जो हमारे इंडिया के भक्त हैं वो बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है, यहाँ तक भी माता रानी का प्रकाश हो रहा है, और विदेशों तक भी बाबा त्रिलोक भारती और माँ भगवती का चला हुआ है कि यहाँ पे संकट कटते हैं। हमारे दर्शकों को मंदिर निर्माण के लिए चंदे के लिए चंदा, मेरा जो छुड़ानी धाम है, मेरा माइका है, मेरे भाई, मेरे काका ताऊ, समस्त परिवार और समस्त गांव गमांड, जितने भी हमारे गोती नाती भाई हैं, सब पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और सब मेरे माता रानी की भक्ति से प्रसन्न हैं। माता जी ने एक मंदिर की नींव रखी है, मंदिर बनाना शुरू कर दिया है, और माता जी काफी सालों से, 4-5 सालों से ये माता जी भक्ति में करती रहती है, और काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे,
दूर दूर से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से यहाँ आते हैं, जो संकट होता है उनके संकट दूर करती है। और इन्होंने फिर सोचा मंदिर के बारे में, जो एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है माता के, जिसमें आज आपने प्रोग्राम में देखा भी होगा, उसकी नींव रख रखी है, और सफ़ेद पत्थर का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, संगमरमर का पत्थर बनेगा, पूरा गांव और गवांड सहयोग करने वाला है इसमें, जो है हमारे गांव की पूरा सहयोग होगा और गवांड से भी होगा। जैसे आज मेरे भाई इंद्रजीत सहवाग आए, तो उन्होंने 1,21,000 रुपये जो है मंदिर के लिए सहयोग किया है, 1,01,000 रुपये मैंने सहयोग किया है, 51,000 रुपये आनंद ठेकेदार ने किया है। और जो भी हैं गाँव के हैं, अभी शुरुआत हो गई है, पहले अभी कमेटी बनाएगी ये, मंदिर की रजिस्टर्ड होगी तो फिर मंदिर अकाउंट खुलेगा। तो जैसे अब हरिदास का मंदिर बनने जा रहा है, ऐसे ही माता का मंदिर बनने जा रहा है, हाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर बनने जा रहा है। भंडारे का भी आयोजन किया, देसी घी का भंडारा था और पूरे दिन भंडारा चला है, आसपास के गांव के, आस पड़ोस से गांव के, पूरा सभी भंडारा लेने प्रसाद ग्रहण किया है।